धरा धाम विद्या मंदिर तथा विकास नगर दस तीन गुणों हेलो ठीक कोई बात नहीं बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बोलिए सतगुरु गुरुदेव भगवान की जय माता पिता की जय विश्वगुरु परमात्मा की जय सनातन धर्म सनातन धर्म की जय यह मंच सर्वांगों का सर्वांगों का प्रतिष्ठीकरण जीवन दर्शन के रूप में क्या है तुम रहता कहाँ असी
अन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्म जाल से। गुरु स्थापन योग नाम अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय तीसरा, स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो चल जानना, हरि है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म विकास हो, नाम सत्तर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निजी स्थान ज्ञान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु ने त्रिगुणि देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से जीता है छो तत है कहा, तम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, क्षर में अंग है आठ, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो, सदगुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा संपूर्ण हुआ, सर्वांग योग अध्याय चौथा। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, इसमें भाव आठ भिन्न प्रकार के रूपांतर पाते हैं, चक्राकार सदैव ही अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व के सारे रूप का दिखना भरा, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा। होने वाला है आप लोग बड़े प्रेम के साथ सुनेंगे समझेंगे विचार करेंगे, तो आगे इसी श्रृंखला में अब हमारे बीच में ग्वालियर से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी राकेशानंद जी चैतन्य, उनके सुपुत्र रामानंद जी चैतन्य, बाप हो तो ऐसा बेटा को करती मतलब दीवाने हो गए, इतना पीता हो गए कि देखो उसने खर्चा दिया लाखों रुपए, और अपने गांव में वो ज्ञान की गंगा को दिव्य चैतन्य को लाने के लिए इतना प्रयास किया, और जो हमारा
हमारा जनैया जो हमारा पैदा करने वाला है हम भाई ईश्वर ये भूल गए, परम पिता परमात्मा ये भूल गए, समाज की अनंत रूप है बचाना ये लोग गुरु व्यक्ति में बन गया परमेश्वर ही गया भूल, अब परमात्मा को भूल के ये मानव वहां चला गया कि मैं से तुम तक चला गया, मैं से तुम तक चला गया, तुम दी के वहां आने अनेक ताना बच गया, किसमें बच गया ये जीव अनेक ताना, अनेक ताना बच गया घूमे पंथ बने, अब पंथों में क्या है, पंथों में कलयुग की लीला, पंथों में क्या मिलेगा कलयुग की लीला मिलेगी, पंथों में कलयुग की लीला मंत्र गुरु से ले लिया, धाड़े तिलक लगाए और रंग के कपड़ा चल दिया, भटक भटक मर जाए, कस्तूरी मृग की नाव में ढूंढत है मनमान, अक्षर आत्मा साथ है और ढूंढत है जगमान, ये अक्षर आत्मा जो परमात्मा की जीव आत्मा है ये हमारे अंदर ही है, तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर खोलने की जरूरत ही नहीं है, जैसे उदाहरण दिया है सतगुरु भगवान ने, कस्तूरी मृग को खुशबू ढूंढती है कहां से आ रही है, बार बार भटकती रहती है, कस्तूरी मृग की नाव में ढूंढत है वरमान, अक्षर आत्मा साध है ढूंढत है जगमान, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर भटक भटक जीवन गया, अपना भटक भटक के सारा जीवन चला जाता है, आत्मा ज्ञान परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, भटक भटक जीवन गया, भीख मांग कर खाए, लकीर का फकीर हो गया, गुरु का ध्यान लगाए, गलत कोई कुछ है नहीं, कारण है अज्ञान, क्या है कारण, कोई गलत नहीं है, सब अपना अपना बेटा कार्य कर रहे हैं, ज्यादा जैसा स्वभाव है वैसा वो काम कर रहा है, गलत कोई कुछ है नहीं, कारण है अज्ञान, अज्ञानता के कारण ये गलत होता है, अगर ज्ञान हो जाए ये मानव मात्र को के विश्व विश्व रूप परमात्मा है तो छलकपट खत्म हो जाएगा, और जहाँ छलकपट खत्म हो जाएगा वहां आत्मा प्रेम होगा, जहाँ छलकपट खत्म हो जाएगा वहां क्या होगा आत्मा प्रेम, और जहां आत्मा प्रेम होगा वहां शांति अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि जब आत्मा प्रेम से आत्मा व्यवहार से हमारे कर्म होने लगते हैं तो वो बंधन नहीं लगता, कर्म में अकर्ता भाव से होने लगते हैं, और वैसे अकर्ता भाव से नहीं होते मैं भाव से होते हैं, तो मैं भाव में बहुत बंधन है कर्म के, और अकर्ता भाव में कर्म के बंधन नहीं है, हम कर्म करते जाएंगे अकर्ता भाव से कर्म करे आचरण ले व सुधार, मनुष्य का जो आचरण शेष रह जाता है, जैसे कोई ईमानदार है हम मुंह से कहने से ईमानदार नहीं हुए, देखे वहां ईमानदारी, कहने चार आदमी बोले कहने
भैया ये आप तो बहुत ईमानदार है, जब हम आ रहे हैं कि हाँ ईमानदार है, अब मैं अपने मुंह से ईमानदार ईमानदार बोलता रहा हूँ और खूब बेईमानी करूँ तो खाली ये मुंह से बोलना हो गया ईमानदार ईमानदार, कर्म में मेरे में शुद्धता नहीं आई, तो हमारे कर्म में शुद्धता आनी शेष है और जब तक हमारे कर्म में शुद्धता नहीं आएगी तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति भी भाई बड़े देर में मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती, ये भी बहुत सारी त्याग त्याग मांगती है शांति, कायदा त्याग मांगती है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर तीजा है इन्हें कर देना, इनको छोड़ देना, तब ये शांति मिलेगी और ये हमारे साथ में रहेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, छोटी है। और ये ज्ञान कौन सा है, राजसियों वाला ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है, राजसियों वाला, ये राज विद्या है, अध्यात्मिक विद्या राज विद्या है। और 12 साल की अवस्था में अज्ञानी जो हो जाओ कि तुम्हें अगले जन्म में लेवल आ रहे थे या जन्म में ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो परमात्मा के दर्शन युवा अवस्था में करो, जल्दी कर लोगे तो फायदा मिलेगी और नहीं तो नुकसान क्या है इसका कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगले में नहीं हुआ फिर अगला लेना पड़ेगा। परमात्मा के दर्शन के अलावा ये बॉडी की मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये शरीर की मुक्ति काय में है, हम परम पदा परमात्मा को जान जाएंगे, नहीं तो मजदूरी धंधे बिजनेस ये तो कर ही रहे हैं, सारा जीव कर रहा है, पृथ्वी लोग भी आए हैं खाने पीने के लिए उधर प्रसन्न के लिए, ये तो करना ही करना है, स्वाभाविक चीज है, ये तो गंगा अग्नि पानी ये तो स्वाभाविक है, पर परम पदा परमात्मा को जान जाना, ईश्वर को जान जाना, खुदा को जान जाना, गॉड को जान जाना, अल्लाह को जान जाना, ये हमारा मैन ड्यूटी पावर है। अगर हम परमात्मा को जान गए, खुदा को जान गए, गॉड को जान गए, तो श्लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया हमारा। श्लोक कौन सा, जो ये जीवन चल रहा है ये, और परलोक कौन सा, जहां मर के जाओगे वो भी आपको साफ और सुधरा मिलेगा। नीच जमीनों के यहाँ जन्म नहीं होंगे आपके, आपके जन्म होंगे श्रीमानों के यहाँ, किनके यहाँ होंगे, श्रीमानों के यहाँ, विज्ञानियों के यहाँ आपके जन्म होंगे, कन्या पुत्रों में जन्म नहीं होंगे आपके। तो हमारा इस लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है परमात्मा को जानने के बाद, और हमने नहीं जाना तो हमारा ये भी जीवन गया और वो भी जीवन गया और अनेक जन्म चले जाते हैं, भटकता ही रहता है ये जीव, अनेक जन्म की कर्म संसिद्धि से सदगुरु आए मूल ईश्वर के तरस कराए, कैसे अनेक जन्मों की कर्म संसिद्धि से, तो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं अनेक जन्मों का दुला हुआ वो परम तत्व को जान पाता है अर्जुन, जो अनेक जन्मों का दुला हुआ है, ये नहीं है कि एक ही जन्म में जान ले, एक जन्म में जान ले योग्य चीज नहीं है, लाखों में तो एक त्रिपुरारी, उन लाखों में एक मुमुक्षु मुझे देखता है, फिर कोई चलता है, फिर कोई रह जाता है, फिर कोई रुक जाता है, फिर कोई खड़ा होता है, कोई एक हाथ करोड़ों में मेरे परम पद को जान पाता है, परम पद यानी परमात्मा को जान पाता है। और जिस दिन हम परमात्मा को जान जाएंगे हमारा जीवन धन हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। बोलिए सर्वरो भगवान की जय, बोलिए माता पिता की जय, बोलिए।